भाई चेतक फेस्टिवल के बारे में बताइए कि चेतक फेस्टिवल है क्या बेसिकली। चेतक फेस्टिवल पहले कैसा होता था कि मेला लगता था, आपने देखा होगा जो छोटे छोटे गांव होते हैं उसमें मेला लगता है, बच्चे घूमने जाते हैं, आसपास के पड़ोस के गांव के लोग आते हैं, वो घूमने जाते थे। तो इसमें ऐसा हुआ कि अब जैसे जैसे जनरेशन हमारी बढ़ रही है, अपग्रेड हो रही है, वैसे वैसे ये फेस्टिवल बढ़ता गया कि वहाँ पे मार्केट लगने लगा, कपड़ों का मार्केट लगने लगा, फूड मार्केट लगने लगा, लोग आते हैं, क्राउड आता है। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होता जा रहा है वैसे वैसे फेस्टिवल बढ़ता जा रहा है। अब हमने इस फेस्टिवल में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की है, जैसे हम यहाँ पे फैशन शो कर रहे हैं, इससे पहले भी फैशन शो हुआ है बट अभी हम और भी बड़े लेवल पे फैशन शो कर रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, पेंटिंग का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, फिर बहुत सारे थीम पार्क हम बना रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए। जो ऑडियंस जाएगी क्या उनके लिए कोई आपने चार्ज पे रखा हुआ है या फ्री में जाएगी वहाँ पे? अभी तक तो ऐसा चेतक की टीम ने डिसाइड नहीं किया है कि फ्री है या चार्जेबल है। अभी हम लोग ने ऐसा कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि हम इसे इतना एंट्री फी रखना है या फिर इसे फ्री करना है, देखते हैं। अभी तक तो हम फ्री ही कर रहे थे। तो इसमें घोड़ों के अलावा और भी बहुत सब सारी चीजें हैं जो जी इस बार हम एजुकेशन फेयर भी कर रहे हैं। अच्छा, तो घोड़ों के अलावा ही मतलब बहुत सब सारी चीजें जी जी तो लोग वहाँ पे जो पसंद है वो ले सकते हैं। हाँ, घोड़ों की अगर बात करें तो किस 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 ब्रेड के घोड़े वहाँ पे? हमारे पास मारवाड़ी घोड़े हैं, काठियावाड़ी घोड़े हैं। वैसे तो घोड़ों के बारे में लोगों को पता ही है कि चेतक में किस ब्रीड के आते हैं। हम तो यहाँ बात करना है कि हम क्या अपग्रेड कर रहे हैं इस इवेंट में। जी जी जी, और कुछ ऐड करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? और इसकी मार्केट कितने बड़े लेवल पे और कहाँ पे मतलब कहाँ कहाँ की ऑडियंस आती है, मतलब कस्टमर कहाँ कहाँ के आते हैं, क्या इंडिया के बाहर के भी आते हैं? रॉयल फैमिली आती है, बाहर के भी लोग आते हैं, फिर आसपास के जितने भी है एमपी, सूरत सॉरी गुजरात, यहाँ के लोग भी आते हैं, महाराष्ट्र के हैं, फिर राजस्थान के हैं, ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं इस फेस्टिवल्स को देखने के लिए। इंटरनेशनल लोग भी आते हैं। तो वहाँ के घोड़े इंटरनेशनल भी? नहीं, हम सिर्फ अपने ही ब्रीड के घोड़े वो करते हैं, काठियावाड़ी है, मारवाड़ी है, राइट। इंटरनेशनल कस्टमर नहीं है इस फेस्टिवल में? नहीं, इंटरनेशनल कस्टमर्स है। आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो नहीं है, सिर्फ इंडियन ही घोड़े जी। हाँ, बेसिकली वहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच।